हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी ड्रीमलैंड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मीशो के कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जिन्हें लेके आपकी जो घर की वॉल्स हैं या कहीं पे भी कॉर्नर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और ये सारे प्रोडक्ट्स ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं, सारे अंडर 500 रुपीज़ हैं। और इनमें से ना कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जो मुझे पसंद आई थी एंड मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। एंड इफ़ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम साक्षी, आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, मेकअप, स्किन केयर, फूड, ट्रैवल एंड मच मोर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे कुछ अमेजिंग से प्रोडक्ट के साथ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और ये रिकमेंडेशन भी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया था। एंड जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे देख सकते हो ना, आप इसको कहीं पे भी रख दोगे, ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिटी सी लुक देता है। आप इसको अपने वॉल हैंगिंग बना सकते हो, प्लांटर की तरह आप इसको ना हैंग कर सकते हो या किसी शेल्फ पर भी लगा सकते हो। जैसा कि आपने मेरे होम टूर वाली वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने ना इसको अपने बेडरूम की शेल्फ के ऊपर लगाया एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये तो आपको लेना ही चाहिए बिकॉज ये ना आपके घर की लिटरली शोभा बढ़ा देगा एंड बिल्कुल फेक नहीं लगता है, बहुत ज्यादा ऐसे रियल लगता है। इसको जिस तरीके से बनाया गया है ना, ये बहुत ज्यादा रियल लुक देता है एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका पॉट भी काफी ज्यादा क्यूट लगता है। एंड सेम चीज ना आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। अमेजोन पे अराउंड 350 समथिंग का ये आपको मिलेगा, बट मीशो में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके ना ये अंडर 300 रुपीज मिल जाएगा। एंड ये मैंने सेट ऑफ टू लिए थे तो मैंने सोचा कि आपको एक बार इसको भी दिखा दूं। एंड जितने प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे ना, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि मुझे ना DIY करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब फैशन, मेकअप और लाइफस्टाइल या कुछ हॉल्स दिखाने के अलावा ना, मुझे DIY और ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इनमें बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं साथ साथ वो भी करती रहती हूँ। तो उसी के लिए ना मैंने एक बहुत ही ये क्यूट क्यूट से राउंड कलर के MDF वुड के ना ये ऑर्डर किए थे। ये बिल्कुल प्लेन है एंड ये मुझे ना 70 रुपीज़ के 6 मिले हैं और मैं इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। एंड आई होप आप बैकग्राउंड में यहाँ पे कहीं पे देख रहे होंगे राउंड सा जो आपको दिख रहा है, ये मैंने खुद बनाया था। तो आप इसको इस तरह से ना कुछ बना सकते हो। इस पर मैंने लिप एन आर्ट किया था एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत सारे ना ऐसे बनाने के बाद कुछ ना कुछ तो अपने होम डेकोर में यूज़ कर ही लूँगी। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू आर समवन जिनको खुद से DIY करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आपको ये ना डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसमें और भी साइजेस आते हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग साइजेस ले सकते हो। और अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड 70 रुपीज़ के अंदर तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। सो मोस्टली ना इस हॉल में आपको कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनसे आप DIY भी कर सकते हो या आप इसको एज इट इज़ अपनी वॉल पर भी लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ इस तरह के वॉल स्टिकर्स। मतलब ये मिरर है और ये ना स्टिक हो जाते हैं इजीली वॉल पे एंड ये मैंने ना यूज़ कर लिए थे एंड मैंने अभी ना कुछ इसका DIY सोचा है। आई होप वो कुछ अच्छे से ही बने। तो ये कुछ इस तरह के आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे और इसमें ना आपको 10 स्टिकर्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसी भी वॉल पे आप वॉल आर्ट कर सकते हो। अगर आप की कोई प्लेन वॉल है ना, आप उसमें इसको लगा दो, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका कुछ ना कुछ DIY करने वाली हूँ। और ये भी मुझे मिले थे अराउंड 120 या 130 के अंदर, तो मतलब 10 पीसेस मिले थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा ना इनसे कुछ ना कुछ DIY कर लिया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फिक्स कर ही लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका किस तरह से यूज़ किया है। तो मेरे पास ना ये एक फ्रेम पड़ा था जिसमें मैंने ना इसको इस तरह से यूज़ कर लिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से। मतलब एक बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई लिटरली मिरर फ्रेम है। और ऐसे मिरर्स ना मैंने ऑनलाइन चेक किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। मतलब यही मैंने फ्रेम चेक किया था, कुछ ऐसा ही सिमिलर बना हुआ, अराउंड 700 और 800 रुपीज़। एंड आप कुछ ऐसा अपने घर पर DIY भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं ना थोड़ा सा अब प्लांट्स से भी ऑब्सेस्ड हो गई और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी ग्रीनरी ला पाऊँ। तो कभी कभी ना क्या होता है, जब हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं ना तो उनको मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने रखे थे बट वो काफ़ी टाइम चले नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार ऐसा करते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स ही ले लेते हैं क्योंकि ये लो मेंटेनेंस भी होते हैं और घर की शोभा भी बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से ना मैंने एक ये वाला प्लांट ऑर्डर किया है एंड ये वाला प्लांट ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ऐसे ना वाइब देता है कि बहुत ज़्यादा रियल है। लाइट इसका कलर है जैसे, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मनी प्लांट काइंड ऑफ इसका कलर है, जो मनी प्लांट का कलर होता है।
एंड अगर बात करते हैं इसकी लीव्स की, तो इसके अंदर ना 12 लीफ है और नीचे आपको इस तरह का पॉट मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी पॉट है, बिल्कुल ऐसा लाइट वेट नहीं है, काफ़ी हैवी है, सो दैट अगर आप इसको कहीं पे भी रखोगे ना, ये बिल्कुल भी हिलने नहीं वाला है। तो मैं तो इसको एक प्लांटर के अंदर रख देती हूँ अपने रूम के अंदर, तो काफ़ी अच्छी लुक देता है। एंड ये वाला जो प्लांट है ना, ये मुझे मिला है ओनली फॉर 350 रुपीज़, आई गेस 250-350 के अंडर ही मुझे मिला है, तो ये बहुत ही अमेजिंग डील है। और इनकी क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊं, बिकॉज ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इवन घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो कुछ इस तरह के प्लांट्स में ना आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका घर ना लो बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे, ग्रीन लगे। और प्लांट्स को ऐड करने से ना लिटरली मैंने नोटिस किया है कि आपका जो घर है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइब देता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेश लगता है, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना सूदिंग सी वाइब देता है अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स या कोई भी प्लांट अपने कमरे के अंदर या लिविंग रूम के अंदर ऐड कर लो तो। ऑलराइट, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ दूसरा प्रोडक्ट। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, बट जिन लोगों के लिए बंजारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर है, इनफैक्ट मेरे लिए भी दूर है, उनके लिए ना मैं एक अल्टरनेटिव लेके आई हूँ। तो मैंने ना मीशो पे सर्च किए थे, इस तरह के प्लांटर्स ना बहुत सारे अवेलेबल थे, इवन बहुत अलग अलग पैटर्न में भी अवेलेबल थे एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सेट ऑफ 3 वाले, सेट ऑफ 3 वाले काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे उधर। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा ही ऑप्शन लेके आऊँ। तो कुछ इस तरह के प्लांटर्स ना आपको मीशो में मिल जाएंगे, सेट ऑफ 3 मिल जाएगा 1000 रुपीज़ में, 1200 रुपीज़ में। एंड ये वाला तो मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वाला है, तो 3 का सेट मैंने ये लिया था। एंड जो भी ऑप्शंस होंगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ इस तरह के प्लांटर्स अपने घर में लाने के लिए, या आप इनके साथ ना ये प्लांट्स को भी लगा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लुक देता है। तो मैंने बेसिकली ये इसी के लिए इसको ऑर्डर किया एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपको स्टैंड नहीं लगाना, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो कहीं पर भी। सो इस तरह के प्लांटर्स ना आपको मीशो पे अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, तो ये है वॉल स्टिकर। तो ये मैंने ना वाइट कलर का वॉल स्टिकर मंगाया था, एंड मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको आपको कवर करना होता है, तो आप इजीली उन्हें कवर कर सकते हो। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे कवर भी करी है, जैसे कि आप मेरे बेडरूम में DIY वाली वॉल देख सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं अटैच कर दूंगी उसको। लिटरली मैंने वो ना एक बेसिक सा पुराना सा फट्टा था, तो मैंने इस वाइट शीट से ही उसको कवर किया था और वो काफ़ी अच्छी लुक देता है। तो उसी तरह से ये वाइट कलर का मैंने वॉल स्टिकर ऑर्डर किया है, वॉल पेपर, एंड आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इनफैक्ट क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। एंड ये मैंने यूज़ कर लिया, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा कटा हुआ दिखेगा, तो कुछ इस तरह की लेंथ आपको मिलेगी एंड विड्थ भी इसकी अच्छी है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से, 2-3 छोटी छोटी चीज़ें इससे अच्छे से कवर हो सकते हैं, या अगर आप कहीं ऐसे इसको अलमीरा में लगाना चाहते हो, ऐसे जो वाइट कलर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपकी घर की लुक को ना चेंज कर देते हैं। और इसका प्राइस मुझे मिला था अराउंड 120-130 रुपीज़ के अंदर, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी डील है। एंड मैं अपने इन फ्यूचर कुछ ना कुछ दिया है, मैं तो इसे ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे प्लांट्स से ना आजकल ऑब्सेशन हो चुका है, तो मैंने कुछ इस तरह की मॉन्स्टेरा लीफ भी ऑर्डर करी हैं। ये सेट ऑफ 6 मुझे मिली थी, तो 3 मैंने कहीं और लगाई हैं, तो मैंने सोचा कि अभी आपको इतना दिखा दूं। तो कुछ इस तरह की है और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड ये मुझे 200 के अंदर मिली है, 200 में 6 मिले हैं। और अगर आप इसको किसी भी प्लांटर में लगा दो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। या अगर आपको पूरी 6 लगानी है, आप 6 भी लगा सकते हो। अगर आपको ओनली 1 यूज़ करनी है, कैक्टस वाले जो वो वास आते हैं ना उसके अंदर, तो ये बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने उसके अंदर भी लगाया था। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनकी भी क्वालिटी, सुंदर लगता है ये मॉन्स्टेरा लीफ मुझे। ऑलराइट, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, जिसको रिसीव करके ना मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और ये है कुछ इस तरह के नॉब्स। तो ये मैंने ना नॉब्स ऑर्डर किए थे, एंड ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आपको पूरा इसका प्रॉपर ऐसे स्क्रू वगैरह, नट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इसका टॉपर भी मिल जाएगा। ये आपको ना सेट ऑफ 6 मिलते हैं, सेट ऑफ 12 मिलते हैं, सेट ऑफ 24 भी मिलता है, तो कुछ इस तरह के मिलते हैं। मैंने यहाँ पे दिखा दूंगी आपको, साइड में अटैच कर दूंगी कि मैंने किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने ना अपनी ओल्ड जो फर्नीचर है उसको DIY कर लिया था, TV ट्रॉली को, एंड ग्रे कलर मैंने उसका किया था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर टर्नआउट हुई। तो मैंने सोचा कि यार उसके नॉब्स भी चेंज कर लिए जाएँ, तो जैसे ही मैंने ये वाले नॉब्स ऐड किए ना, तो उस अलमीरा में ना लिटरली चार चांद लग गए।
और अगर आपका भी कोई ऐसा पुराना फर्नीचर है ना, तो अगर आप उसको थोड़ी सी कुछ डिफरेंट वाइब्स देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ये नॉब्स ले सकते हो और उसको लगा दोगे ना, आपकी अलमीरा की लुक बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा ना ट्रेंडी है ये आजकल। और ये मैंने ना अमेज़ॉन पर देखे थे, 300 के 6 थे या 12 थे, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट एज़ कम्पेयर टू मीशो, तो मीशो पे काफ़ी ज़्यादा मुझे सस्ते मिले हैं, तो इसीलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप मीशो से डेफिनेटली इनको ले सकते हो। क्वालिटी भी बहुत अच्छी मुझे रिसीव हुई है एंड मैंने ये सारे यूज़ भी कर लिए हैं। सेट ऑफ 6 थे बट मुझे एक एक्स्ट्रा मिल गया था। ऑलराइट दोस्तों, तो यही था कुछ आज का मीशो हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। मैं उस तरह की वीडियोस लाने की ज़रूर कोशिश करूंगी और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उससे मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। एंड मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।